नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहिबा से ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन्हें दवाई के रूप में PCOD के पेशेंट्स को क्यों दिया जाता है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। मैम, PCOD के जो पेशेंट्स होते हैं या फिर यूँ कहूँ कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स के, तो सबके मन में ये बात आती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन्हें दवाई की तरह क्यों दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम से वो फेमस है ना, पर वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही केवल यूज़ होता है ऐसा नहीं। आपको ये समझना चाहिए वो एक दवाई है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन करके एक गोली बनाई गई है। अब ये गोली अधिकांश कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ होती है, परंतु यही गोली PCOD में भी यूज़ होती है, एंडोमेट्रियोसिस में भी यूज़ होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में भी यूज़ होती है। इसके यूजेस अब जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि नारियल का तेल, नारियल का तेल केवल बाल में लगाने के लिए थोड़ी ना होता है, वो एक तेल है। आप उसको देह में लगाइए, आप उसे खाना बनाइए, आप उसको दरवाजे के हिंजेस में डालिए, आपको उस जहाँ जहाँ आपको तेल की ज़रूरत है आप उस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज मतलब कोई ये वाला प्रश्न इस तरह का प्रश्न हो गया कि नारियल के तेल से हम खाना कैसे बना रहे हैं, राइट? सो ये दिमाग में डालें, एक दवाई है, अधिकांश सर पे लगाते हैं, परंतु उसमें खाना भी बनाया जा सकता है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होता है दवाई, परंतु वो तो एक दवाई है। हम लोग PCOD के लिए भी यूज करते हैं। कई बार PCOD के मरीज़ को ये समस्या भी आती है कि जो सिस्ट होते हैं उनके अंदर एक और सिस्ट भी हो जाता है, तो ये क्या कंडीशन है, कितनी सीवियर है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब है, पॉली मतलब ज़्यादा, तो पॉलीसिस्ट मतलब बहुत सारे अंडे, सिस्ट मतलब अंडे हैं, सिस्ट का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ये सिस्ट जो हैं वो अंडे हैं। जैसे कि एक नॉर्मल महिला हर महीना एक अंडा पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, परंतु ये पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली लड़कियां जो होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वो हर महीना 4-5-6 किसी का 15-20 अंडे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फूटने की कोशिश करते हैं। और इस दौड़ में सब 15 के 15 चाहते हैं कि नहीं हम फूट जाएं, इस महीना हम फूटें, अल्टीमेटली फूटता कोई भी नहीं है और 15 के 15 कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये कितना सुंदर चीज़ भगवान के द्वारा हम लोग सीखे हैं कि कहीं पर भी किसी भी संस्था में किसी एक को ही मालिक होना चाहिए, बाकी सबको सपोर्ट सिस्टम में रहना चाहिए। जिस भी स्टेट में बहुत लोग CM बनना चाहेंगे तो वो स्टेट कोलैप्स करेगा। वही चीज़ आपके शरीर में भी होता है। हमेशा यू मस्ट डिसाइड एनी वन पर्सन केपेबल नॉट केपेबल, बट वन पर्सन एंड द एंटायर सिस्टम शुड सपोर्ट दैट सिस्टम। तो एक नॉर्मल औरत में वो होता है, एक PCOD की पेशेंट में बहुत सारे अंडे फूटने की कोशिश में अल्टीमेटली कोई भी नहीं फूट पाता है और वो साइकिल फेल कर जाता है। लोग कई बार ये चीज़ें सुन के पैनिक हो जाते हैं कि सिस्ट के अंदर एक और सिस्ट हो गया है, इलाज कराना पड़ेगा, अब बच्चा होने में दिक्कत आएगी, तो ये बातें कितनी सही है? अनलाइक एवरीबडी एल्स, मेरा मानना है, हम तो अपने हर पॉलीसिस्टिक ओवरी की मरीज को बोलते हैं बेटा तू सुपर वुमन है। एंड अधिकांश जब ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की मरीज बच्चा पैदा करने में उतरती है, इन लोगों को जुड़वा और ट्रिपलेट्स होते हैं, सो दे आर सुपर वुमन। इसलिए ये बिल्कुल हीन भावना अपने अंदर मत रखिए अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी की पेशेंट है कि बाप रे मुझे बच्चे होंगे कि नहीं। बोलोगे मेरे इतने बच्चे होंगे मैं कैसे पालूंगी, आपको ज़रूर बच्चे होंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की पेशेंट को यस, थोड़ा बहुत मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बच्चा नहीं हो सकता, ये एकदम भ्रांति है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है।